मैं जब जब भी आपके सामने आया हूं, मैंने आपको ये कहा है कि अगर आपने एहतियात ना की, आगे हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बार बार मैं आपको बताता रहा कि SOPs का मतलब एहतियात करना। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, हमें पता है कि ये वायरस जब लोग जमा होंगे ये फैलेगी तेजी से, तो या लोगों को बंद कर दें और मुल्क को बैठा दें और अपने गरीब लोगों को कुचल दें, और या फिर मुल्क को चलाएं, लेकिन आप जिम्मेदारी लें, अवाम जिम्मेदारी लें कि अगर हम SOPs पे, यानी ये जो जो हमने आपके लिए बताया हुआ है शरायत के, आप जो भी एक्टिविटी करें एक SOPs के मुताबिक, किन शरायत के मुताबिक करें, अगर आप SOPs पे नहीं चलेंगे, एहतियात नहीं करेंगे, तो आखिर में इस मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारे पास कभी भी वो हस्पताल की फैसिलिटीज़ नहीं थी कि अगर ज़्यादा लोग एकदम बीमार होना शुरू हो जाएं, तो हमारे पास तो कभी भी वो फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो इसलिए मैं आपको बार बार ये कहता रहा कि जब आप एहतियात, जब आपको हम मौका दे रहे हैं कि अपनी अपनी एक्टिविटीज़ शुरू करें, तो साथ साथ एहतियात ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप एहतियात करेंगे, हमारे हॉस्पिटल्स पर कम प्रेशर पड़ेगा, हम ज़्यादा लोगों का इलाज कर लेंगे। लेकिन अगर आप एहतियात नहीं करेंगे और तेज़ी से ये बढ़नी शुरू हो गई, तो सारा जाके प्रेशर अस्पतालों पे पड़ जाएगा, और अभी पड़ चुका है।